हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज फिर आ चुके हैं हम लोग एक और न्यू राइड पे। तो हम लोग निकल चुके हैं सुबह सुबह घर से। तो घर से मैं निकला था करीबन 4:30 के आसपास। तो दोस्तों आज की हमारी ये राइड होने वाली है दौड़जला लेक के लिए। तो ये बाइक को जाने देते हैं। तो आज हम लोग जाने वाले हैं दोस्तों दौड़जला लेक के लिए। तो इधर में अपने कुछ और साथी अपना इधर में इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनके लिए रुकते हैं। यहाँ पे भी एक ये ऐड पॉइंट किया गया था ताकि इधर से भी काफ़ी लोग ज्वाइन कर सके। तो यहाँ पे देखिए एक लड़की है, तो ये भी अपने को इधर ज्वाइन करेगी। तो अभी चलते हैं इधर से आगे, इस और कुछ बंदे शायद आने वाले हैं यहाँ पे। तो दोस्तों एक या दो बंदा और आने वाला है, तो उसके लिए हम लोग अभी इधर ही खड़े हैं। ये मॉल है यहाँ पे, देखिए पता नहीं क्या नाम है मॉल का, तो लेकिन काफ़ी बड़ा मॉल है यहाँ पे। तो बैकग्राउंड में दोस्तों म्यूजिक चला लेते हैं। तो यहाँ से मॉल के पास से हमारे को दो लोगों ने और ज्वाइन किया था। तो दोस्तों अभी हम लोग चल रहे हैं एयरपोर्ट रोड की तरफ। तो आगे ये कुछ एयरपोर्ट रोड है। तो दोस्तों हम तीनों लोग तो यहाँ पे थोड़ा स्पीड में चल रहे थे, तो हम लोग थोड़ा आगे निकल आए हैं और वो बाकी लोग थोड़ा पीछे रह गए। तो अभी हम लोग यहाँ पे उनका इंतज़ार कर रहे हैं। तो अभी बाकी लोग सभी आ गए थे, तो हम लोग निकल चुके हैं वो पॉइंट से। तो अभी देखते हैं साथ में रहने का ही ट्राई करेंगे ताकि साथ में ही चले, कोई भी पीछे ना रुके। तो अभी साइकिल को अपने साथ में रखते हैं, सभी लोगों के साथ ग्रुप में राइड करने का सोचेंगे। तो अभी अपनी साइकिल चल रही है करीबन 30 के आसपास, तो 30-28 के आसपास हमारी स्पीड अभी इस वक्त है। तो अभी ये आगे वाले बंदे को करते हैं ओवरटेक। दोस्तों यहाँ से अभी ये रोड काफ़ी लंबा है, तो यहाँ पे रोड भी की कंडीशन भी दोस्तों काफ़ी अच्छी है। देखिए तो इसके लिए ही साइकिल काफ़ी अच्छी स्पीड में हम लोग इधर में चला पा रहे हैं। तो रोड काफ़ी अच्छे हैं दोस्तों इधर के, तो आज की राइड में मज़ा आने वाला है। तो इधर से हम लोगों को दोस्तों राइट टर्न लेना है। तो अभी इधर में रोड की हालत थोड़ी हम लोगों को ख़राब नज़र आ रही है, तो कोई नहीं चलते हैं, साइकिल का रास्ता तो अपने लिए बन ही जाएगा कहीं ना कहीं से। तो चलते हैं धीरे धीरे, इधर में गड्ढे वगैरह भी थोड़े ज़्यादा ही लग रहे हैं। आगे शायद पानी भरा हुआ है शायद से। तो इधर में ये बंदा तो निकाल ले गया, इसके पीछे पीछे रखते हैं, निकल जाएगी अपनी भी, ऐसे तो नहीं गिरने वाली है पानी वगैरह में इजीली। हम लोग इसको इधर से निकाल लेंगे। तो ये निकल चुके हैं अभी आगे, ठीक है रास्ता थोड़ा ठीक नज़र आ रहा है सामने से। तो ये बंदे के पीछे ही रखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अभी आ चुका है रास्ता यहाँ पे एकदम चकाचक। ये देखिए काफ़ी ग्रीनरी हम लोगों को दिखाई दे रही है। वो पीछे रास्ता थोड़ा ही ख़राब था, इतना ज़्यादा लंबे दूरी तक ख़राब नहीं था। तो अभी यहाँ पे हम लोग अच्छी स्पीड में इसको भगाते हैं। दोस्तों जैसे ही रास्ता अच्छा आया, हमने काफ़ी तेज़ गति से अपनी साइकिल दौड़ा दी, तो जिसकी वजह से ये सभी लोग थोड़ा पीछे रह गए थे। तो अभी आ चुके हैं सभी, तो अभी इनके साथ चलता हूँ मैं। तो अभी ज़्यादा तेज़ नहीं भगाएंगे, ये लोगों के साथ में ही चलेंगे। तो अभी करीबन आधी दूरी हम लोग तय कर चुके हैं, आधी दूरी और बाकी है। तो दोस्तों यहाँ पे फोटोग्राफी के लिए काफ़ी अच्छा स्पॉट हम लोगों को दिखाई दिया। तो यहाँ पे हम लोग 5-10 मिनट रुकेंगे और फोटो वगैरह क्लिक करेंगे सभी लोग अपने। हैंड ग्लव पे भी मिट्टी वगैरह लग गई यार यहाँ पे रास्ते में आते वक्त। तो ये सुबह सुबह का देखिए दोस्तों, ऐसा कुछ एक खूबसूरत सा नज़ारा है यहाँ पे। तो आएगा थोड़ा उसको भी। तो
अब सभी लोग अपनी साइकिल्स को एक लाइन में लगा रहे हैं जिससे कि फोटो में सभी फोटो के फ्रेम में सभी लोग आ सकें। तो चलिए अपनी साइकिल को भी उठा के उनके साथ लगा देते हैं लाइन में। तो यहाँ पे कर देते हैं इसको खड़ी, यहाँ भी स्टैंड लगा देते हैं। पत्थर है वहाँ पे नहीं ये है, सही है, सही है, अच्छा बस है ना। वेरी ओल्ड स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एंड इट्स अ पॉपुलर स्पॉट फॉर साइकिल। आज मेरा ऑफिस मेरा दीदी चलाने वाला है, कोई टेंशन नहीं, तू जिधर भी आ ना। हां इसका गले डाल के आया, पहले लेक के पास चलते हैं। हां तो दोस्तों फाइनली हम लोग लेक के पास पहुंच चुके हैं। तो लेक के पास ये देखिए काफ़ी बड़ी एक हिल है, तो इसके ऊपर भी जाने के लिए हम लोगों ने प्लान बनाया है। दोस्तों अभी ये हम लोग पास में ही कोई गांव था तो उसके अंदर हम लोग पहुंच चुके हैं। तो ये देखिए बाकी सभी साइकिलिस्ट हमारे आगे जाके चल रहे हैं। तो ये सुबह सुबह देखिए दोस्तों गाँव का जो माहौल रहता है ना वो काफ़ी अच्छा रहता है। तो ये देखिए अभी यहाँ पर भी ये गाँव में पूरी शांति है, काफ़ी पीसफुल माहौल है, हल्की हल्की धूप निकल चुकी है और काफ़ी कम ही लोग दिखाई दे रहे हैं, इतने ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं गांव में, ये सब आपको ही मालूम है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। You wanna go there on top of the hill? Yeah. While coming back. That's amazing. Oh. What is the name of that hill? Akayama Beta. Akayama Beta. क्या है? फ्लाइंग फॉक्स। ओह व्हाट? फ्लाइंग फॉक्स, फ्लाइंग फॉक्स। तो दोस्तों पीछे एक पेड़ पे काफ़ी सारे पक्षी बैठे हुए थे और चीचीहाट कर रहे थे। तो अभी सुबह सुबह का टाइम दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि सुबह हम लोग को जल्दी उठना चाहिए ताकि पक्षियों की चीचीहाट की आवाज़ हम लोग को सुनने को मिलती है। और सुबह के टाइम में दोस्तों एयर की जो क्वालिटी रहती है वो भी हमारे लिए काफ़ी अच्छी रहती है। तो अगर हम लोग सुबह जल्दी उठते हैं और कोई एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, साइकिलिंग ही नहीं चाहे कुछ भी एक्सरसाइज हम लोग करते हैं, चाहे वॉकिंग ही क्यों नहीं करते हो, तो भी हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा रहता है दोस्तों। तो इसलिए हम लोग को सुबह जल्दी उठना चाहिए और थोड़ा बाहर वातावरण से जुड़ने की हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों अभी सभी लोगों को पता चल गया है कि मंजिल करीब है, तो अभी हम लोग डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले हैं दोरजला लेक के ऊपर। तो सभी लोगों ने अपनी स्पीड जो है बढ़ा ली है साइकिल की, तो चलिए हम लोग भी अपनी साइकिल की स्पीड बढ़ा लेते हैं और सभी लोगों से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। तो अभी फ़िलहाल हमारी साइकिल चल रही है 35 की स्पीड पे, तो ये लड़की को करते हैं ओवरटेक। तो अभी 34, 33 साइकिल है ग्रेव। हाँ ग्रेव पर टायर चेंज कर दिया मैंने। ओके तो अभी दोरजला लेक के एंट्रेंस को हम लोगों ने पार कर लिया है। तो अभी इधर में देखिए रास्ता काफ़ी पतला सा है, तो इधर ये बेसिकली वॉकिंग के लिए ये रास्ता बनाया गया है, साइकिलिंग भी इधर ज़्यादा शायद अलाउड नहीं है मेरे ख्याल से। तो हम लोग तो आ गए अपनी साइकिल से भी अंदर लेके, तो उतना ज़्यादा पता नहीं है साइकिलिंग का। तो ये देखिए दोस्तों ये है असली नेचर। तो आगे आगे देखिए नज़ारा कितना खूबसूरत होने वाला है आज की राइड का। तो ये है दोस्तों दोरजला लेक, तो इसके ठीक सामने देखिए कितनी ऊंची पहाड़ी है दोस्तों वहाँ पे। अरे मैं सोच रहा हूँ इस पे वो मड गाड़ रहता ना, कचरा लगता है फिर गाड़ी। हाँ वो तो है। शूटिंग चालू करो ना यार। शूटिंग चालू है, ये शॉर्ट्स चेंज कर लो आप। ये वाला ना बहुत ये टाइट रहता है, बहुत ही हालत खराब हो गया है, इसीलिए तो मेरा हालत खराब है अभी। एक की माँ पड़ा गई है। एक वो ले लो साइकिलिंग का लिए वो शॉर्ट्स आता है ना। हाँ। वो डिकेथलन से एक 1000 रुपीज वाला आता है। हाँ, वो बेस्ट है।
तो अपनी बाइक को भी इधर खड़ा कर देते हैं, इधर पार्क कर देते हैं। तो इधर में फिर से सभी लोगों ने अब अपनी बाइक्स को लगा दिया है लाइन में कुछ रील्स और कुछ फोटोज क्लिक करने के लिए। तो काफी अच्छा सिनेमैटिक व्यू है दोस्तों इधर का। ये थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं आप लोगों को। मैं अगस्त में वहां से लिया था, पूरा लेक कवर था, ठीक है। लास्ट ईयर आके देखा ये सब। ये क्या है अभी मालूम है? नहीं, ऊपर जाओगे ना, दैट्स द ब्यूटी। ये कौन सा डक है मालूम है? डक हाँ वो रहा, ओपन बिल डक है। ओ अच्छा, ये जो फ्लोट हो रहा है? नहीं नहीं, वो वहाँ पे अभी लैंड। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं काफ़ी स्पेशल प्लेस पे। तो ये देखिए यहाँ पे एक डोरजला रेलवे स्टेशन है दोस्तों, जो कि काफ़ी पुराना है, करीबन 200 साल पहले का ये रेलवे स्टेशन है। तो इसका पुराना फ़ोटो मैं साइड में लगा दूंगा वीडियो में, तो आप देख लीजिएगा। तो अभी सब लोगों ने फोटोग्राफी के लिए इधर साइकिल इसके सामने पार्क कर दिया, तब तक मैं आपको इसका टूर कराता हूँ, इसको दिखाता हूँ चारों तरफ से कैसा क्या है। तो इधर देखिए लकड़ी का कुछ बनाया हुआ है यहाँ पे, शायद उस समय पे पब्लिक इधर आती थी और ये टिकट वगैरह खरीदने के लिए टिकट काउंटर कुछ था ये यहाँ पे, तो यहाँ पे लाइन लगती थी शायद। और ये यहाँ पे कुछ इसके बारे में लिखा हुआ है, रिस्टोरेशन ऑफ डोरजला रेलवे स्टेशन। तो साउथर्न वेस्टर्न रेलवे द्वारा इसका रिस्टोरेशन किया गया है। तो ये देखिए पीछे इसके यहाँ पे दो विंडोज़ दी गई हैं, तो इधर से अंदर दिखाने की मैं आप लोगों को कोशिश करता हूँ। देखिए शायद कुछ दिख रहा होगा, कुछ पेंटिंग्स वगैरह शायद यहाँ पे लगी हुई हैं ये अंदर की तरफ। ये दूसरी विंडो से देखते हैं, तो ये अंदर में कुछ ऐसा कुछ खास तो नहीं है, ये पेंटिंग्स वगैरह ही शायद पूरे इसमें लगी हुई है अंदर की तरफ। तो चलिए अब मैं इसके राइट साइड से आप सभी लोगों को दिखाता हूँ कैसा क्या राइट साइड में क्या कुछ है इसमें। तो अभी राइट साइड में ऐसा कुछ खास तो नहीं है, और देखिए लास्ट में एक गेट है, उधर एक डोर है लास्ट में। तो अभी ये इधर कुछ कन्नड़ा में लिखा हुआ है, मेरे को कन्नड़ा पढ़नी तो नहीं आती दोस्तों। तो ये देखिए इधर में भी कुछ पेंटिंग्स वगैरह ही शायद लगी हुई हैं, और अंदर की तरफ ये स्विचेज जो है काफ़ी पुराने टाइम के लगे हुए हैं अभी भी। ये देखिए काफ़ी पेंटिंग्स हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं दोस्तों हिल पे। तो रास्ते में मैंने जो आपको बताया था जिस पहाड़ी के बारे में, तो वो उस तरफ हम लोग अभी आ चुके हैं। तो अभी हम लोग साइकिल के थ्रू ही जाने वाले हैं इसके टॉप पे, तो काफ़ी हार्ड रहने वाला है दोस्तों इधर में साइकिलिंग करना, तो उतना इजी नहीं रहेगा क्योंकि पूरा क्लाइंब दोस्तों इधर पूरा क्लाइंबिंग करना है साइकिल के साथ। तो आगे वाले बंदे को देखिए दोस्तों, ये आड़ा टेढ़ा करके किसी तरह से ऊपर ले जाने की ट्राई कर रहा है। तो अभी धीरे धीरे करके हमारे पैर दोस्तों जवाब देने लगे हैं, धीरे धीरे भरने लगे हैं। और अभी तो हम लोग कुछ आधी दूरी पे ही आए हैं दोस्तों, अभी तो काफ़ी ज़्यादा दूरी बाकी बची हुई है। तो अभी ये बंदा देखिए थोड़ा स्पीड से लेके गया, इसमें कुछ एनर्जी आई। तो अभी धीरे धीरे करके ये लोगों की भी सभी की स्पीड स्लो डाउन होने लगी है, तो अभी इनसे आगे लेके चलते हैं। धीरे धीरे हम लोग सेफ स्पीड में रखने की ट्राई करेंगे। तो दोस्तों अभी करीबन 70% क्लाइंबिंग हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है, 30% और बची हुई है। तो सेम स्पीड के साथ चलते हैं, ज़्यादा हम लोग हार्डली पुश नहीं करेंगे, नहीं तो अपने पैर पूरे और ज़्यादा भर जाएंगे फिर। तो अभी इससे ऊपर दोस्तों साइकिल पे हम लोग नहीं जा सकते, अभी पैदल चलना पड़ेगा क्योंकि देखिए इधर पानी वानी गिरा हुआ है। तो पानी की वजह से दोस्तों अपना पीछे वाला टायर इधर स्लिप हो रहा है। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं टॉप पे।
ये देखिए इतना ज्यादा खूबसूरत नजारा है दोस्तों यहाँ पे। तो ये भाई की साइकिल हो चुकी है पंचर रास्ते में, तो अभी ये बंदा पूरा साइकिल को खींच के लेके आया है ऊपर तक शायद। हाँ तुम लोग जा देख जा क्या हो? या या दिस इज नथिंग, यू कैन सी द लेक, वो लेक का ये टिको दे पंचर वो कोई हो अक्सर। और ना अभी इसका टायर ओपन कर रहे हैं हम, ये पीछे वाला ट्यूब चेंज करने के लिए। तो देखिए इसका पीछे वाला व्हील दोस्तों आ चुका है बाहर, तो अभी इसका टायर निकाल के इसकी ट्यूब को निकालते हैं बाहर में। तो अभी ये भाई को दे दिया गया है पंक्चर देवता का टाइटल। तो अभी टायर के अंदर ट्यूब डालने का प्रोसेस जारी है दोस्तों। तो फाइनली अभी इसमें एयर फिल की जा रही है। तो दोस्तों अभी व्हील को हम लोग डाल रहे हैं, उसके बाद बस स्क्रू टाइट करना बाकी बचा है। व्हील टाइट मत करा लेडी तो ऑटोमेटिक कर। तो अभी हम लोग आ चुके हैं थोड़ा और आगे की तरफ, तो साइकिल को अपने साथ लेके आए हैं दोस्तों। तो मेरे पास जो है लॉक नहीं था, तो इसके लिए मैं साइकिल को पीछे खड़ा करना सेफ नहीं था मेरे हिसाब से, तो मैं साइकिल को अपने साथ ही लेके आ गया। तो और भी कुछ लोगों के पास लॉक नहीं था, तो वो सब लोग भी अपनी साइकिल को अपने साथ ही इधर लेके आ गए हैं दोस्तों। तो इधर में देखिए ऐसा कुछ, तो देखिए उधर कुछ आगे लोग भी बैठे हुए हैं और उधर बैठ के सिगरेट वगैरह कुछ पी रहे हैं शायद। तो ये ठीक नहीं है दोस्तों सिगरेट वगैरह इधर ऊपर बैठ के, क्योंकि बाकी पब्लिक भी इधर घूमने के लिए आती है दोस्तों, इधर लड़कियाँ भी आती हैं तो बच्चे भी आते रहेंगे शायद। तो ऐसा कुछ नज़ारा है दोस्तों, इधर से काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है देखिए। तो मैं आप लोगों को थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखिए काफ़ी सारी लेक यहाँ से दिखाई दे रही है, पूरा आगे फॉरेस्ट एरिया दोस्तों, पूरा दूर दूर तक फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट नज़र आ रहा है। तो दोस्तों आज की इस राइड को करते हैं इधर ही कंप्लीट, तो मिलते हैं किसी और न्यू ऐसी ही राइड पर।